पलक शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पलक शर्मा 23। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में और एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1 और एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 2 के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में समझाया था। अगर आपका बाय चांस वो लेक्चर मिस हो गया है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि उस लेक्चर को देखना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डोमेन और रेंज क्लियर होंगे तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। अभी के लिए आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जल्दी से हमारे 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस होने वाले हैं और आपका भी आगे कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा। और इसी तरीके से मैं आपके सारे के सारे चैप्टर्स को कवर कराने वाली हूँ। अब तक मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 बहुत ही डिटेल में कवर करा चुकी हूँ। अब हमारे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से हमें डोमेन वगैरह को फिक्स कर लेना होता है आगे हमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अभी ये सारी चीज़ों के बाद में मैं आपको साथ में पहले तो ये टेबल डिस्कस करने वाली हूँ वापस से, और उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस टेबल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो ये चीज़ है डोमेन और ये चीज़ है रेंज। तो होता क्या है, साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो आपका होता है -1 से 1 तक, और इसकी रेंज जाती है -π/2 से π/2 तक। अगर मैं कॉस इनवर्स की बात करूँ तो इसका आपका डोमेन है -1 से 1 तक और रेंज आपकी इसकी होती है 0 से पाई तक। अगर कॉस एक इनवर्स की बात करूँ तो इसकी रेंज है आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। क्यों लगाया हमने ओपन इंटरवल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉस एक के फंक्शन में आपका -1 से 1 तक के बीच की वैल्यू नहीं आती, बट -1 भी आता है और 1 भी आता है, तो ओपन इंटरवल लगाते हैं, ठीक है। आर में से हम माइनस करें सिर्फ और सिर्फ -1 से 1 तक के बीच की वैल्यूज़ को, और इसकी आपकी रेंज हो जाती है -π/2 से π/2, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम 0 नहीं लेते क्योंकि कॉस एक का जो फंक्शन है वो आपका 0 पे डिफाइन नहीं होता। इसी तरीके से sec इनवर्स की हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी आपकी रेंज बिल्कुल सेम है cosec इनवर्स की तरह, और इसमें डोमेन क्या, इसमें रेंज है आपकी 0 से लेके पाई तक, बस आप π/2 को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि π/2 पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होता sec का। आगे बात करते हैं tan इनवर्स और cot इनवर्स के लिए। इन दोनों के लिए डोमेन आपकी r रियल नंबर है और रेंज जो है इनकी वो है -π/2, बट यहाँ पर हम लगाते हैं ओपन इंटरवल क्योंकि हमें पता है कि जो tan का फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से चलता है और π/2 पे हमारा डिफाइन नहीं होता, -π/2 और π/2 पे इसकी वैल्यू हमें नहीं मिल पाती, इन्फिनिटी तक ये चलता चला जाता है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं π/2 और -π/2 पे ओपन इंटरवल। अब हम cot इनवर्स की बात करें तो इसका फंक्शन 0 से पाई तक है, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल सेम केस होता है, 0 और पाई पे वैल्यू आपको नहीं मिल पाती, ओपन इंटरवल हमें इसका लेना पड़ता है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें आपसे बोला है साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद साइन एक्स का इनवर्स, क्योंकि साइन एक्स का जो इनवर्स है उसका मतलब क्या है 1/sin x, और साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है कि अगर साइन एक्स की वैल्यू वाई थी तो साइन इनवर्स वाई आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, पूरी डोमेन और रेंज कन्वर्ट हो जाती है इनवर्स में, यहाँ पर आप पूरे इनवर्सेस को कन्फ्यूज ना करें। उसके बाद है व्हेनेवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन वी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो मैंने आपको समझाई थी कोई सी भी ब्रांच आप ले सकते हो, बट जो मैंने अभी आपको समझाई यहाँ पर वो आपकी होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बहुत अच्छे से क्लियर की थी। तो अगर आपको कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आंसर दोगे। थर्ड चीज है आपकी, द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ अ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स फंक्शन। जो प्रिंसिपल ब्रांच में आपकी लाई करती है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। अब बेसिकली हम लोग यहाँ से देखने वाले किस तरीके से आप आंसर निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें आपसे बोला है साइन इनवर्स 1/√2। तो अब देखिए, अगर सबसे पहले मैं साइन इनवर्स 1/√2 को इक्वेट करूँ वाई के, तो 1/√2 हमारा क्या हो जाएगा, साइन वाई। क्लियर हो रहा है। अब साइन में हम कौन सी वैल्यू रखें कि आपको 1/√2 मिल जाए, तो इसके लिए हमें पता है कि साइन π/4 हमारा 1/√2 होता है, ठीक है। तो हमारा मतलब क्या है कि y की वैल्यू हो गई हमारे पास में π/4, जो आपको निकालनी थी। आप देखेंगे कि ये π/4 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है आपकी -π/2 से π/2 तक, और π/4 आपका कुछ यहीं पे लाई कर जाएगा और ये बिल्कुल इस ब्रांच के बीच में है, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा π/4। और आपको पेपर में मेंशन करके दिखाना है, सिंस द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज दिस एंड दिस बिलोंग्स टू दिस, सो आपका साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी π/4। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी हो जाता है, बस एक सेकंड हम देखने वाले, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हमारे पास में गिवन है cot इनवर्स
माइनस वन बाय रूट थ्री। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, कॉट इनवर्स माइनस वन बाय रूट थ्री को वाई के इक्वल कर लेना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि माइनस वन बाय रूट थ्री इज इक्वल्स टू कॉट वाई। क्लियर हो रहा है? अब अगर मैं वाई में पाई बाय थ्री रखूँ तो कॉट पाई बाय थ्री आपका क्या हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री। और साथ में आप अगर इसमें माइनस का साइन लगा दो तो आपके पास में आ जाएगा माइनस वन बाय रूट थ्री। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। क्लियर हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ कॉट पाई बाय थ्री को कन्वर्ट करेंगे कॉट पाई माइनस पाई बाय थ्री में। तो जैसे आप कॉट पाई माइनस पाई बाय थ्री करोगे यहाँ पर तो आपका आ जाएगा कॉट टू पाई बाय थ्री। आप देखेंगे टू पाई बाय थ्री हमारा जीरो से लेके पाई तक के बीच में आता है कि नहीं, तो टू पाई बाय थ्री आपका जीरो से लेके पाई के बीच में आएगा। तो आपका इसका आंसर आ जाता है टू पाई बाय थ्री। बेसिकली हमने सिर्फ इतना यूज़ किया कि कॉट पाई माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब देखेंगे हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स 1 बाय 2 की, माइनस 1 बाय 2 की। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चीज़ रहेगी, साइन वाई को आप ले लोगे माइनस 1 बाय 2। सबसे पहले हमने इसको वाई के लिए ऐड किया, फिर आपका साइन वाई हो गया माइनस 1 बाय 2। अब हमें पता है कि अगर मैं साइन के साथ में पाई बाय 6 लगा दूँ, साइन पाई बाय 6 आपका 1 बाय 2 हो जाएगा, और साथ में अगर मैं माइनस का साइन लगा दूँ तो ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी हो जाएगी माइनस 1 बाय 2। अब हमें क्या चीज़ पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, है ना? तो माइनस ऑफ साइन थीटा को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब हम देखेंगे कि क्या माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं माइनस पाई बाय 2 आए आपका ये चीज़ और पाई बाय 2 के बीच में अगर मैं देखूं तो माइनस पाई बाय 6 आपका इनके बीच में ही लाया करता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6। क्लियर हो रहा है? अब इसमें एक बहुत ही छोटी और बहुत ही छोटी सी मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगी जिससे आपको माइनस के केसेस में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो एक बार आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, होता क्या है कि अगर हमारे पास में साइन का फंक्शन है, टेन का फंक्शन है, जिन भी फंक्शंस में वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाती है। तो हमने देखा कि कौन कौन से फंक्शन में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जाती है आपकी, एक तो साइन के फंक्शन में, एक कॉसेक के फंक्शन में, और एक आपके टेन के फंक्शन में। तो इन्हीं फंक्शन को ध्यान में रखते हुए अब आप यहाँ पर देखिए, तो जिन भी फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 जाएगी, तो आप उन फंक्शन में जैसे कि टेन इनवर्स हो गया, आपका कॉसेक इनवर्स हो गया, और आपका साइन इनवर्स हो गया, तो इनमें जब भी आपके पास में माइनस ऑफ थीटा आ जाएगा तो आप माइनस थीटा आंसर निकालेंगे। बट अगर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स होगा तो, और अगर माइनस आ रहा है अंदर, माइनस ऑफ पाई बाय 6, माइनस ऑफ 1 बाय रूट 2 आ रहा है, तो आप करोगे पाई माइनस वो पर्टिकुलर एंगल जो भी आपका आ रहा है, ठीक है? इसमें तो आप माइनस थीटा लिखेंगे सिंपल, जो भी आपका वैल्यू आ रहा है माइनस लिखेंगे सिंपल, और यहाँ पर आप करोगे पाई माइनस थीटा। ये चीज़ अभी आपको क्लियर शायद ना हुई हो, बट अभी जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल नंबर 2 में बात करूँ तो यहाँ पर क्या था, कॉट था, तो कॉट के साथ में आपने देखा 1 बाय रूट 3 कहाँ पर आता है, पाई बाय 3 पे। तो आपको क्या करना पड़ा, आपको करना पड़ा पाई माइनस पाई बाय 3, तब आपका आंसर आया। बट अगर मैं साइन की तरफ देखूँ, यहाँ पर माइनस था, आपने देखा पाई बाय 6 पे माइनस, पाई बाय 6 पे 1 बाय 2 मिल जाएगा, तो आप सिंपली माइनस पाई बाय 6 कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है ये चीज़? और आपको इसके बेसिक रीज़न भी मैंने आपको बता दिया कि साइन माइनस थीटा आपका माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पे, इसमें है कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2। इसको आप सबसे पहले तो इक्वेट कर लोगे वाई के। जब भी आपके अंदर पॉजिटिव का एंगल है, पॉजिटिव की ये चीज़ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी आपने जब इसको वाई के इक्वेट कर लिया तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉस वाई, ठीक है? अब देखिए रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 आपको कहाँ पर मिलता है, पाई बाय 6 पे मिलता है। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू रूट 3 बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6, और पाई बाय 6 आपका 0 से लेके पाई के बीच में भी लाया करता है। आगे बात करते हैं थर्ड की, इसमें है कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स 2 आपको पता है कब आता है, आपका पाई बाय 6 पे, और पाई बाय 6 आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में भी लाया करता है। तो आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका टेन इनवर्स माइनस रूट 3, तो जब आप इसको लिखोगे टेन इनवर्स माइनस रूट 3 को वाई, तो आपके पास में आ जाएगा टेन वाई इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। अब आपको पता है कि अगर मैं टेन ऑफ पाई बाय 3 करूँ तो वो आपका रूट 3 होता है, और इसके साथ में माइनस का साइन लगाऊँ तो आपका क्या हो जाता है, माइनस ऑफ रूट 3।
अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर माइनस ऑफ टेन थीटा, तो हमने फिर से एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 थीटा को हम लिख सकते हैं 10 ऑफ माइनस थीटा, तो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट 3, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 3, वाई इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3, और आप देख सकते हो कि माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में भी लाई करता है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 है, तो जैसे ही आप कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 पे आओगे तो यहाँ पर आप देखते हो कॉस वाई इज इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई बाय 3, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो माइनस कॉस पाई बाय 3, तो हमने पढ़ा है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस यहाँ पर माइनस कॉस थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, तो आपका आ जाएगा ये कॉस 2 पाई बाय 3, और सिंपली आपका आंसर आ गया। आगे बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन में, इसमें आपको गिवन है टेन इनवर्स ऑफ माइनस 1, तो फिर से हमें पता है टेन इनवर्स ऑफ 1 आपका कहाँ पर आता है पाई बाय 4 पर, अब क्योंकि माइनस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 10 ऑफ माइनस थीटा होता है तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 4। अगर मैं इसी तरीके से सेवन्थ की बात करूँ तो आप देखोगे 2 बाय रूट 3 sec में कब आता है पाई बाय 6 पे, तो वो 0 से पाई के बीच में भी है तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 6। आगे बात करते हैं कॉट इनवर्स रूट 3, तो कॉट इनवर्स में रूट 3 कब आता है कॉट में, वो आता है आपका पाई बाय 6 पे, तो वैल्यू आंसर आ जाएगा आपका पाई बाय 6। आगे बात करते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2, तो फिर से वही चीज़ है कि कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2 हमारा आएगा कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 4 में, और हमें पता है कॉस पाई माइनस थीटा होता है हमारा माइनस कॉस थीटा, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, और ये बेसिकली हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 4, और 3 पाई बाय 4 आप देखोगे 0 से पाई के बीच में लाए करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 4। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, आपका कॉसेक इनवर्स में रूट 2 आता है पाई बाय 4 पे, अब क्योंकि आपको पता है कॉसेक, मैंने आपको बताया था कॉसेक हो गया साइन हो गया टेन हो गया, उसमें आप सिंपली माइनस का साइन लगा देते हैं साथ में, तो वैसे आप और देख सकते हो तो कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, इस वाली आइडेंटिटी से आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ पाई बाय 4। आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसमें आपको क्या करना है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है इनवर्स के क्वेश्चंस में तो आप इनको रफ में अलग सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम सिंपली इसको ऐड करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ टेन इनवर्स 1 की, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 4। कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 1 बाय 2 की, तो हमें पता है कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 3, और हम इसमें कर सकते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। फिर से बोलूंगी मैं, कॉस आपका हो गया, कॉट आपका हो गया, सेक हो गया, इनमें पाई माइनस थीटा करना मत भूलिएगा। तो अभी यहाँ पर आपका हो गया कॉस पाई माइनस पाई बाय 3, इसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 6। इन तीनों को आप लोग सॉल्व कर दोगे आपका इसमें आंसर 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। इसी तरीके से ट्वेल्थ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स में माइनस 1 बाय 2 कब आता है आपका पाई बाय 3 में, प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स में 1 बाय 2 आपका आता है पाई बाय 6 में, तो ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या गिवन है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, तो आपको y के बारे में बताना है, तो अगर साइन इनवर्स x आपका y है तो साइन इनवर्स x की रेंज क्या होती है आपकी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 विद ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू साइन, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें आपसे बोला टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो टेन इनवर्स में रूट 3 कब आता है आपका पाई बाय 3 पे, माइनस ऑफ सेक इनवर्स माइनस 2 है, तो मैंने आपको बताया था सेक में जब भी माइनस 2 आएगा तो आप लिख सकते हैं सेक ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी 2 पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3, सो ऑप्शन आपका आ जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 3, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपका आगे वाला कोई भी लेक्चर मिस ना हो। लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको डोमिनेंट रेंज क्लियर किए थे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है, लाइक कर देना है वीडियो को, शेयर कर देना है इसको अपने सभी दोस्तों के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।